सरकारी स्कूल के हालात। स्कूल है या स्विमिंग पूल, बारिश से स्कूल में जल भराव। तस्वीरों में दिख रहा यह स्कूल खोसली के खंड जाटूसाना का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कूल है या स्विमिंग पूल, तो हम आपको बता दें कि ये स्कूल ही है, लेकिन इसमें बेतहाशा पानी भर गया जिसके चलते ये पूल नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तालाब की शक्ल लिए इस स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और टीचर कैसे पढ़ाएंगे। जी हाँ, स्कूल के अंदर बैठने की सीटें, क्लासरूम, यहाँ तक कि प्रिंसिपल का दफ्तर तक सभी पानी में डूबे हुए हैं। जो दौर गुजरा उसके बाद स्कूल खुल पाए थे, 6 से 8, 6 से 12 तक की कक्षाएं लग रही थी, लेकिन अचानक ही जो है 23 तारीख के बाद जो है इसमें पानी भरने लग गया और हमने फिर प्रिंसिपल साहब ने लिख के दिया, लेकिन तब से कोई समाधान नहीं हो पाया। एक इंजन लगाया था, उसके बाद उसकी वजह से दोबारा से फिर उसमें पानी एंटर करने लग गया और आज आप देख पा रहे हैं किस तरह स्कूल में बहुत बुरा हाल है। और हमने आपको खुद भी दिखाया था कि यहाँ सांप भी जो है ना घूम रहे हैं और जहरीले जीव है, पानी में खड़ा होना तक मुश्किल है अधिकारियों का। हमें अपने कार्यालय काम निपटाने के लिए तो कभी कभी ऑफिस में आना पड़ता है, बाकी बच्चों का तो भारी नुकसान हो रहा है। बच्चों का भारी नुकसान? हाँ हाँ, बिल्डिंग की हालत भी देनी होती है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये पुरानी जो बिल्डिंग है, हो सकता है गारा मिट्टी से बनी हो, तो इसमें पानी से भारी नुकसान होगा और दीवार गिर भी चुकी है, लगभग 25 फुट दीवार का हिस्सा हमारा गिर चुका है। तो बाकी जो लिखा है लाइब्रेरी कंप्यूटर में जैसे आपको दिखाया था हमें, बाकी कुछ तो लैब बंद है, बाकी हमने दिखाया था कि वो काफी पानी भरा हुआ है और उनमें जो नीचे कालीन वगैरह बिछाए गए थे और दरिया वगैरह जो भी काम कीमती सामान था फर्श पे वो तो भीग चुका है। स्कूल प्रबंधन की माने तो बीते साल भी तेज बरसात के कारण स्कूल ऑफिस के साथ साथ पूरे परिसर में पानी भर गया था, जिसे संबंधित विभाग द्वारा पंप लगाकर निकालने का प्रयास किया गया था और अब की बरसात में फिर से वही हालात बन गए हैं। ये खेतों से पानी जो है स्कूल के साथ में जो रोड है इसमें आ गया और वो पानी रोड से उतर के और फिर पीछे स्कूल की दीवार है उसको तोड़ के स्कूल के अंदर घुस गया। स्कूल का जो क्षेत्र है वो नीचा पड़ता है तो लगभग 2 से 3 फीट तक का पानी जो है पूरे कैंपस में फैला हुआ है। तो इसमें जो मुख्य कारण है वो यही है कि निकासी का जो प्रबंध है ना वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी निकालने के लिए कोई जगह है नहीं। तो अब एक पंप लगाया हुआ है स्कूल में तो इससे पानी निकल रहा है, लेकिन पीछे से रिसाव होके फिर उतना ही पानी आ जाता है। करवा दिया था इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी, पंचायत विभाग को भी, तो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो भी कोशिश कर, कुछ तो घटा है लेकिन ज्यादा नहीं घटा है कि पानी में निकालते हैं फिर आ जाता है। तो जो है अभी पूरी तरह से मेरे ख्याल से इसकी निकासी होने में टाइम लगेगा। उधर जब मामले की गूंज जन प्रतिनिधियों तक पहुंची तो कोसली से बीजेपी के विधायक ने भी बदहाल स्कूल का अधिकारियों के साथ जायजा लिया और मौके पर ही जल्द से जल्द पानी निकासी के निर्देश दिए। मौके पे सारा प्रशासन खड़ा है और सब प्रबंध में जुटे हुए हैं और कोई भी समस्या आएगी तो उसका निवारण करेंगे, क्योंकि बारिश इस बार या तो 77 में हुई थी या 96 में और इस बार तो उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो प्रकृति के सामने क्या पार पड़ सकती है। लेकिन प्रशासन सब लगे हुए हैं, गांव के लोग भी सब सहयोग कर रहे हैं, तो जल्दी पानी निकल जाएगा। काफी दिन हो चुके हैं सर पानी भराव को लेकर, स्कूल बच्चे आने भी वंचित हैं, क्या करें? ये सही बात है आपकी, जब मैंने कहा ना कि बारिश इस बार ज्यादा मात्रा में हुई है और यहीं की हालत नहीं बल्कि पूरे इलाके में ही पानी भरा खड़ा है। एक जगह की नहीं है समस्या, एक जगह की हो तो सारा जुट के खाली कर देते, लेकिन ये तो सारे ही इलाके में पानी इस बार भरा पड़ा है, फसलें भी खराब हुई है। बहरहाल पूरे मामले में सीधे प्रशासन के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों को जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वे कैसे पढ़ेंगे। यहां तो बैठने तक के लिए सूखी जगह नहीं है, फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना कैसे की जा सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए कोसली से सत्यनारायण भारद्वाज की रिपोर्ट।